हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट प्रतीक। आप लोग देख रहे हैं गेमर्स टॉक यूट्यूब चैनल, जहां पर आप लोग करते हैं गेमिंग की बात मेरे साथ। और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं 10 फ्री वाले पीसी गेम्स, जिनके अंदर आप लोगों को अच्छी ग्राफिक्स मिल जाएगी और ढेर सारा एक्शन करने के लिए मिलेगा। तो अगर जानना चाहते हो उन सभी गेम्स के बारे में तो देखो इस वीडियो को एंड तक, और अगर लगे अच्छी तो कर दीजिएगा लाइक। इनफैक्ट फ्यूचर में भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस और देखनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यारो, क्योंकि आपका सपोर्ट मैटर करता है। तो हो जाइए तैयार 10 सबाईदार फ्री गेम्स के लिए, जिसमें 10th गेम है ट्राई अगेन। इस गेम के अंदर हम लोग बैनी नाम के कैरेक्टर का किरदार निभाते हैं, जो कि एक टेस्ट कैरेक्टर है एक अनफिनिश्ड गेम के अंदर, जिसके डेवलपर्स को एक डेडलाइन दी गई थी गेम को जल्दी फिनिश करने के लिए। सो आज ये हमारा आखिरी दिन है इस गेम के अंदर, तो यहाँ पर हमें सारी ऑब्स्टिकल्स को पार करते हुए जल्दी से यहाँ से बाहर निकलना होगा, ताकि हम लोग एक टेस्ट कैरेक्टर से एक मेन कैरेक्टर बन सके। अगर सच कहूं तो मुझे इस गेम की स्टोरी काफी ज्यादा यूनिक और फैसिनेटिंग लगी, जहां ग्राफिक्स अच्छी हैं और वैसे ये एक प्लेटफॉर्मर गेम है। और अगर आप लोगों को जिंदगी में कुछ एक्शन चाहिए तो मिलिए वीडियो के 9th गेम से, जो कि है पॉलीगन। ये एक टैक्टिकल फर्स्ट पर्सन शूटर गेम है, जिसके अंदर आप लोगों को फुल मल्टीप्लेयर का सपोर्ट देखने के लिए मिल जाएगा, यानी कि पूरी दुनिया से रियल टाइम में दूसरे अपोनेंट्स आते हैं, जिनके साथ में हमें कंपटीशन करना होगा। और उसके लिए हमें चाहिए वेपन्स, जो आप लोगों को ढेर सारी देखने के लिए मिल जाएंगी। सिर्फ इतना ही नहीं, अप टू 32 प्लेयर्स आते हैं डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस के अंदर, उनके साथ में मैचेस होते हैं, ग्राफिक्स अच्छी हैं और गेम पूरे तरीके से ओपन वर्ल्ड रहेगा। और इसी के साथ में रही बात वीडियो के 8th गेम की, तो वो है केव ऐप सिमुलेटर। ये फालाइक फूड कुकिंग एंड रेस्टोरेंट सिमुलेटर गेम है। एक्चुअली में ये उन लोगों को एक रियलिस्टिक एक्सपीरियंस दे पाएगा, जिन लोगों का सपना था कभी ना कभी अपना खुद का रेस्टोरेंट ओपन करने का और वहाँ पर कस्टमर्स को डिलीशियस फूड सर्व करने का। जी हाँ, यहाँ पर आप लोगों को ये सब कुछ देखने के लिए मिल जाएगा। वेरियस टाइप ऑफ फूड आइटम्स हैं, अलग अलग ऑर्डर्स को सर्व करना होता है टाइम के अकॉर्डिंग, और मनी सिस्टम भी देखने के लिए मिल जाएगा। और अगर आप लोगों का कुकिंग से कोई लेना देना ही नहीं है, तो चलिए मिलाता हूँ वीडियो के 7th गेम से, जो की है कॉम्बैट मास्टर सीजन 1। ये एक फास्ट पेस्ड एक्शन पैक शूटिंग गेम है, जहाँ पर आप लोगों को ट्रिपल ए कंसोल क्वालिटी ग्राफिक्स देखने के लिए मिल जाएंगे। इनफैक्ट गेम सारे के सारे लो एंड डिवाइसेस के लिए पूरे तरीके से ऑप्टिमाइज्ड है, जहां पर ब्लेजिंग फास्ट लोड टाइम्स देखने के लिए मिलते हैं, और तो और एक ऑफलाइन मोड भी देखने के लिए मिलेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस और मैप्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। स्किल बेस्ड कॉम्बैट होगा, जहां पर कोई ऑटो फायर नहीं है और कोई एड्स भी आप लोगों को देखने के लिए नहीं मिलेगा। और आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूँ, इस वीडियो के अंदर बताए गए सभी के सभी गेम्स की डाउनलोड लिंक्स वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। और दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले शुरुआत करते हैं आज के वीडियो के स्पॉन्सर्स की, जो कि है स्विफ्टो। ये एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल पीडीएफ एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, जिसके अंदर आप लोगों को जरूरत के सभी यूजफुल फीचर्स देखने के लिए मिल जाएंगे। अक्सर हमारी डे टू डे लाइफ में पीडीएफ की जरूरत हमें पड़ी जाती है, चाहे फिर डॉक्यूमेंट्स को साइन करना हो, उन्हें कन्वर्ट करना हो इनटू इमेजेस, या फिर पीडीएफ को एडिट करना हो। ये सब कुछ आप लोग चुटकियों में इस सॉफ्टवेयर से कर पाएंगे। इसके लिए आप लोगों को जाना होगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जहां पर आप लोगों इनकी ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक देखने के लिए मिल जाएगी, और वहां से इस एप्लीकेशन को चुटकियों में डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद में अपने डॉक्यूमेंट्स को एडिट करना, कन्वर्ट करना, कंप्रेस करना और मर्ज करना आप बड़ी आसानी से कर पाएंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, फिलहाल तो उनकी वेबसाइट पर सेल भी चल रही है, तो किस चीज का वेट कर रहे हो, जल्दी से जाओ ट्राई करो। और चलिए अब मैं आप लोगों को मिलाता हूँ वीडियो के 6th गेम से, जो कि है मोटरसाइकिल मैकेनिक सिमुलेटर। इस गेम को आप लोगों ने अपने फेवरेट स्ट्रीमर्स और गेमर्स को खेलते हुए देखा होगा, जहाँ पर हम लोग एक मैकेनिक की भूमिका निभाते हैं, जो मोटरसाइकिल्स को रिपेयर करता है। एक्चुअली में हम लोग डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को परचेज करते हैं, बाइक्स को रिनोवेट करते हैं, ताकि अपनी पसंद की ड्रीम मोटरसाइकिल को तैयार कर सके, फिर उसे ड्राइव पर लेकर के निकल जाते हैं, जहां ग्राफिक्स बड़ी ही शानदार है। और ये लीजिए, देखते ही देखते आप और हम आ पहुंचे हैं वीडियो के बिल्कुल बीचों बीच, यानी कि 5th गेम की तरफ, जो की है एडेका। ये एक साइंस फिक्शन फर्स्ट पर्सन शूटिंग गेम है, जो एक रहस्यमय अनजान प्लेनेट के ऊपर सेट है। यहाँ पर हमारे एक हाथ में ग्रेविटी मैनिपुलेशन की पावर है, और उसी की मदद से हम लोग एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ट्रैवल कर पाते हैं, जहाँ पर खतरनाक एक्शन और फाइटिंग आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगी। आइटम्स को कलेक्ट करने के लिए हम लोग एक्सप्लोरेशन पर जाते हैं, और मजेदार बात तो ये है कि वेपन्स को कलेक्ट करने के लिए हमें दूसरे अपोनेंट्स को मारना होगा और उन्हीं की वेपन्स को लूटना होगा। चलिए अब उस प्लेनेट से वापस धरती पर आ जाते हैं, जिसकी हालत मुझे 4th गेम में उतनी अच्छी नहीं लग रही है, और वो है अनडॉन। ये एक बहुत ही ज्यादा शानदार ओपन वर्ल्ड गेम है विद आरपीजी एलिमेंट्स इन इट। यहाँ पर हम लोग को सर्वाइव करना होगा, क्योंकि चारों तरफ ज़ॉम्बीज है। एक्चुअली में एक पोस्ट एपोकैलिप्टिक एरा का गेम है, जहाँ सारी दुनिया खत्म हो चुकी है, और हमें सर्वाइव करने के लिए आसपास की सराउंडिंग से जरूरी सामान लाना होगा।
जैसे खाना, टूल्स वगैरह, ताकि हम लोग ज़ॉम्बीज का सामना कर सके और रात में उनसे बचने के लिए अपने आप को एक शेल्टर तैयार करना होगा। सिर्फ इतना ही नहीं, ऑनलाइन दूसरे अपोनेंट्स भी हैं, उनसे भी कंपटीशन होता है और स्टोरी भी इस गेम की काफी अच्छी है। बीच बीच में सिनेमैटिक कटसीन्स आते हैं और ग्राफिक्स की तो क्या ही कहने। और इसी के साथ चलिए बात करते हैं वीडियो के थर्ड गेम की, जो की है लॉस्ट लाइट। ये एक बहुत ही ज्यादा रियलिस्टिक ग्राफिक्स वाला शूटिंग गेम है जिसको खेलने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है स्ट्रेटेजिकली सारे मूव्स को प्लान करके सोच समझ के खेलने का, और दूसरा तरीका है स्कैवेंजर्स की तरह धाड़ धाड़ सभी को मारते चले जाने का, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास में जो एमओ है वो है लिमिटेड और वो हमें दूसरे अपोनेंट्स को मार करके ही मिलती है, जिसको हमें मेंटेन करना होता है थ्रू आउट दी गेम। सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ पर आप लोगों को फर्स्ट पर्सन एंड थर्ड पर्सन दोनों ही गेम मोड्स मिल जाएंगे और तो और क्रॉस प्लेटफॉर्म का सपोर्ट भी मिलेगा। और रही बात वीडियो के सेकंड लास्ट गेम की, तो वो है डस्ट एंड एलियंस। ये एक फर्स्ट पर्सन शूटिंग गेम है जो वर्ल्ड वेस्ट एनवायरमेंट में सेट है, यानी कि यहाँ पर हम लोग एक काउबॉय की भूमिका निभाते हैं जो नॉर्मल इंसानों से नहीं बल्कि एलियंस से फाइट करता है आउटर स्पेस में। और कोई ऐसे वैसे एक दो एलियंस नहीं बल्कि पूरी की पूरी वेव्स आती है, ढेर सारे एलियंस को मारते हैं ताकि एक हाई स्कोर सेट कर सके जिसे कोई ब्रेक ना कर पाए। एंड एट लास्ट चलिए बात करते हैं वीडियो के फाइनल गेम की, जो कि है कैलिबर। ये वाला एक टीम बेस्ड टैक्टिकल शूटर गेम है जिसके अंदर आप लोगों को थर्ड पर्सन व्यू मिल जाएगा, अलग अलग गेम मोड्स मिल जाते हैं जैसे कि पीवीपी और पीवीई। इसी के साथ में 60 ऑपरेटर्स होते हैं जिनके अंदर 4 अलग अलग क्लासेस होती हैं। यहाँ मैं इसको थोड़ा सा सिंपल कर देता हूँ। 60 ऑपरेटर्स का मतलब है अप टू 60 क्रेडिट्स आते हैं रियल टाइम में पूरे मैप के अंदर, और 4 क्लासेस का मतलब है 4 दोस्त एक साथ मिलकर सभी का सामना करते हैं। ये गेम डेवलपर्स की ना कुछ कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स होती हैं मुश्किल बनाने की, लेकिन आप लोगों को कंफ्यूज होने की कोई जरूरत ही नहीं है। और तो और गेम की ग्राफिक्स भी आप लोगों को काफी ज्यादा शानदार देखने के लिए मिलेगी। सो मेरे भाइयों, कैसी लगी आप लोगों हमारी आज की वीडियो कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा जरूर, और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, फ्यूचर में भी और फ्री गेम्स के बारे में जानना है तो उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, देखते रहिए गेमर्स टॉक। मैं मिलूंगा आप लोगों से एक और नई शानदार वीडियो में।